नमस्कार दोस्तों, आरपी न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोरखपुर खोरा बार के इस वक्त जो है सेमरा गांव में इस वक्त मौजूद हैं। सेमरा मानीचक गांव है, इस गांव में इस वक्त हम बंधे पे मौजूद हैं। आज जहां पर मौजूद हैं, हम आपको बता दें यहां पर करीब जो है कम से कम 10-11 लोग जो है युवा वर्ग के बच्चे खड़े हैं और एक बुजुर्ग बाबा भी खड़े हैं। आज इन लोगों से हम बात करके जानेंगे आखिरकार जो 2022 में विधानसभा का चुनाव जो नज़दीक आ रहा है उसके प्रति इन लोगों का क्या सोच है, 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, वर्तमान में चल रही बीजेपी की सरकार से लोग कितना खुश हैं या क्या इन्हें दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो चलिए इनसे हम बात करके जानेंगे। सबसे पहले हम बाबा से शुरू करेंगे क्योंकि बाबा जो है इन सभी लोगों में सबसे श्रेष्ठ लग रहे हैं और इनसे हम बात करके जानेंगे। बाबा, सबसे पहले आप हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। नाम क्या है बाबा आपका? रामधारी भारती। रामधारी भारती, चाचा ये बताइए 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है उसके प्रति जो है आप लोगों का क्या विचार है, इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? इस साल जो है जी बसपा का आना चाहिए। बसपा का? हाँ। आपको बीजेपी सरकार से आपको खुशी नहीं है? खुश नहीं, हम लोग कब बच्चे लोग बाहर लोग जाते हैं, कमाने नहीं पाते हैं, कहीं कोरोना घुसस हो जाता है, कहीं वहाँ से हटा जाते हैं, दाल जो है तेल दाल ये भी महंगा है, साग सब्जी महंगा है और बच्चे लोग पढ़ने नहीं जा पाते हैं। तो राशन तो फ्री में बांट रही है ना बीजेपी? उससे काम नहीं चलेगा ना, 5 किलो राशन से कैसे काम चलेगा? मान लीजिए नमक कैसे आएगा, तेल कैसे आएगा, सब्जी कैसे आएगी? आप ही के चन्ना घाट का पुल भी बनवा दिया गया है। नहीं नहीं, वो पुल से हमको खर्ची नहीं देगा। हमारी विकास तो बढ़ेगा ना, रोजगार का जरिया तो बढ़ेगी ना। विकास बढ़ेगा, अगर पुल नहीं रहेगा तभी काम चल जाएगा, कहीं जा करके हमारे बच्चे उच्चे कमा करके ले आ करके किसी को शादी करना, किसी को कर्ज देना है, किसी को घर बनवाना है, तो कैसे बने? गाँव में तो जो है आवास तो बहुत लोगों को मिला होगा। हमारे सिमरमानी चक में ग्राम सभा लोहिया होते हुए दो आवास बना है हमारे सिमरमानी चक में, और आवास नहीं बना, आज तक नहीं बना है। अच्छा, गांव में तो शौचालय तो मिला होगा बाबा? शौचालय मिला है, कोई एक किस्त मिला है, कोई एक किस्त, 6,000 में कहाँ शौचालय बनेगा? किसी के घर खाने का जब पैसा नहीं है तो एक किस्त उसको मिला है तो ठेहुन भर ईंटा जोड़ा करके छोड़ दिया है, क्या करेगा? तो पूरा पैसा नहीं मिला था? नहीं, पूरा पैसा नहीं मिला था। अच्छा, चलिए बाबा इनसे हम बात करेंगे। बाबा, आपका सुझाव क्या है कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? नहीं, बसपा का। बसपा का भैया, हम आप लोगों से बात करेंगे। भैया थोड़ा आप इधर चले आएँ। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है? अमित कुमार। अमित जी, ये बताइए आप जो है कहीं जॉब वॉब करते हैं कि घर पर रहते हैं? घर पर आते हैं। कहीं पढ़ाई उढ़ाई भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए 2022 में जो चुनाव आ रहा है उसके प्रति आप लोगों के क्या सोच है कि इस बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? इस बार बसपा की सरकार आनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? बसपा सरकार आएगी तो आप लोगों के लिए कुछ खास बेहतर करके दिखाएगी कि? हाँ, खास बेहतर करती है, शासन कड़क रहता है। बसपा की सरकार आएगी तो आप लोगों के लिए कुछ खास बेहतर करेगी क्या? नहीं, खास बेहतर करती है, शासन तो टाइट कर देती है, बेटी बहन को के लिए इज्जत, बेटी और बहनों की जो है इज्जत सम्मान बचाती है। इज्जत सम्मान बचाती है। आप वोट डालने जाते होंगे? हाँ, वोट डालने जाते हैं। अब इस बार बसपा की सरकार आएगी तो आप लोगों के लिए कुछ खास बेहतर है? कैलाश भारती। अच्छा चाचा जी, बताइए 2022 में जैसे 2022 में जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का, 2022 में किसकी सरकार आप लोग बनाना चाहते हैं, किसकी सरकार आएगी तो आप लोगों के लिए जो है कुछ बेहतर करके दिखाएगी? आने का मतलब जो अच्छा काम करेगा उसी का सरकार बनाएंगे। आपकी उम्र के हिसाब से तो लग रहा है कि सभी सरकार देखे होंगे, सभी पार्टियाँ चली गई होंगी। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है 2022 में कि कौन सी फिर से दोबारी पार्टी आना चाहिए या बीजेपी सरकार वर्तमान में चल रही है ये सरकार दोबारा आएगी या कुछ बदलाव होगा, क्या चाहते हैं? देखिए, हम तो भारतीय हैं, कैलाश भारतीय, तो हम तो मायावती को ही चाहेंगे, बाकी जो जैसा सरकार बनाना चाहे वो बना सकते हैं भाई। तो इस बार जो है किसकी तरफ आप पार्टी अब क्या सोच रहे हैं, किस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? मायावती के ऊपर है भाई, मायावती जी के बहन जी का सरकार आए और हम लोगों के लिए कुछ खास बेहतर करके दिखाएगी। एक जगह पानी पीते हैं, जब बहन मायावती रहती है तो सुनवाई पूरा होता है और बकरी और शेर इकट्ठा पानी पीते हैं, कोई अनर्गल नहीं करता है। हाँ, और भी तो दावा करती है कि गुंडागर्दी जो है पताल उतर चली गई। नहीं नहीं, ये तो हम लोगों को इतना गरीबी ले आ दिया कि फिर क्या बताएं हम लोग। क्या लगता है 2022 में कौन सी सरकार आएगी आप लोगों की जो है खास बेहतर करके दिखाएगी, क्या चाहती है जनता इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? मायावती। आपका क्या मूड है? बहन मायावती। बहन मायावती जी का सरकार आएगी तो आप लोगों के लिए कुछ खास करेगी? क्या बहुत खास करेगी हम लोग के लिए? किसकी सरकार आनी चाहिए? मायावती। मायावती बहन जी के, माता जी खड़ी, माता जी से हम पूछेंगे, माता जी जो है उस पर क्या कहना चाहेंगे, इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए माता जी? मायावती बहन का। मायावती बहन जी का सरकार आएगी तो लगता है कि महंगाई के ऊपर अंकुश लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी। और महंगाई के ऊपर पहले वो थी तो इतना महंगा नहीं था। बहन मायावती जी का सरकार आनी चाहिए। एक मिनट सर, हम आपसे भी बात करेंगे। सर जी, ये बताइए आपका नाम क्या है सर? थोड़ा
पवन शुक्ला। कौन? अच्छा पंडित जी ये बताइए, 2022 में जो है सर्वे हो रहा है, 2022 के विधानसभा का चुनाव जो नज़दीक आ रहा है, उसके प्रति सर आपका क्या रुझान है? किस बार जो है बदलाव होना चाहिए या इसी सरकार को दोबारा लाना चाहिए? वही सरकार आएगी 2022 में, फिर से जो है बीजेपी की सरकार बनेगी एकदम। ये लोगों का कहना है कि बहन मायावती जी को आना चाहिए ताकि जो है महंगाई के ऊपर अंकुश लगाए। कुछ नहीं, वो सरकार मोदी के अलावा कोई आएगा नहीं सर। फाइनल रिपोर्ट एकदम फाइनल है, बहुमत की सरकार एकदम बहुमत की बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए धन्यवाद। 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उसके प्रति आपका क्या सोच है? इस पर बदलाव होना चाहिए या सरकार जो है दोबारा यही आना चाहिए? ये सरकार तो नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है बाबा आपको? आपके बगल में जो है चन्ना घाट बनवा दिया गया है। नहीं वो तो ठीक है बनवा दो, तो पुल तो कोई बात, पुल खर्ची हमको थोड़ी दे रही है। इतना महंगाई है, खर्चे महंगा हो गया है कि आदमी जो परेशान है तरह तरह से हैं। हाँ यही में लॉकडाउन लग जाता, इसमें 6 महीने लॉकडाउन में लग जाता, लड़कन के स्कूली पढ़ाई जो है ये सारा जो बेकार जा रहा है। न स्कूल टाइम से न कोई मास्टर आता है, न लड़के जाते हैं वहीं में, उसी में और क्या कहा जाए इसके आगे। हाँ अरे मोदी जी तो कहे थे, तो मोदी है ना झूठा, तो कोई दुनिया में है ही नहीं है। अच्छा हाँ ऐसा कहें बाबा? हाँ है तो झूठा नहीं है, वो पहले शुरू किया भाषण दिए कि दो दो आवास मिलेगा। अरे देखिए सारा झोपड़ी किसी का आवास बना हुआ देख लीजिए जरा, क्यों इस गांव में लोगों को आवास नहीं मिला है? नहीं मिला है, गांव में तो शौचालय मिले होंगे। मिला है तो भी एक किस्त दिया, आधा सारा पैसा प्रधान खा गया, दूसरा किसी सेक्रेटरी प्रधान मिलके खा गए। पिछले कई महीनों से फ्री में राशन दिया जा रहा है। अरे राशन से कहा 5 किलो चावल मिल जाता, उससे कहा हो जाता बताए, 5 किलो चावल खाली ले लेंगे तो पूरा महीना हमारा बीत जाएगा। गाँव के बगल से गोरखपुर से 4 लेन बनाकर बनारस तक दिया जा रहा है, इतनी बड़ी सौगात। अरे ठीक है वो तो ठीक है, 4 लेन तो वो बड़े लोग चलेंगे, गरीब जा रहे हैं चलने, गरीब के पास साइकिल नहीं सो देता। आपके शहर में जो है फर्टिलाइजर, AMC, हर से एयरपोर्ट, कुशीनगर का सब चीज सरकार दे रही है आपको। और एक बात, जो गांव का राशन कार्ड है जी, राशन कार्ड जो अमीरों के जिसके 10 एकड़ खेत है उसका लड़का, उसको BPL कार्ड बना हुआ है, और जो गरीब है उसका सफेद कार्ड बन गया है। जो 5 किलो मिलता है उनको 35-40 किलो मिलता है, बड़े लोगों का ही सरकार है तो बड़े लोगों को फायदा कर रही है। समय मानिक चक में अगर जाँच किया जाए तो अमीरों लोगों को ललका कार्ड है। आपका नहीं है? हमारा है, हम तो पात्र वाले हैं ना, आप पात्र वाले लोगों को नहीं, जो है तो कहें आपके कहने से कह देंगे कि नहीं है। नहीं 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 है, लेकिन मान लीजिए हमको एक है 10 आदमी के हैं, हम लोग 100 आदमी हैं, 10 आदमी को रह कर के क्या करेगा? आपका क्या फैसला है 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? मायावती का। चलिए आइए हम इनसे भैया से बात करेंगे, आप चले आइए। का मूड है जो है 2022 में बहन मायावती जी का सरकार लाया जाए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि अगला कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले हम आपको दिखा सकें। कैमरामैन विशाल के साथ राजकुमार प्रजापति, RP News गोरखपुर।